छोटी सी चाह, पर सामने सपनों का एक बड़ा आसमान, जहां पहुंचना तो है पर रास्ते का पता नहीं। दिस इज द प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स, डी स्मार्ट क्लिक, जो पूरे करेगा आपके सपने और आपको दिलाएगा एक पहचान हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री में। आप भी अपना टैलेंट निखार सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म डी स्मार्ट क्लिक पर। किसके साथ? अब तक तो आप जान ही गए होंगे, हमारे एस फोटोग्राफर दर्शन। दर्शन दीक्षित, एन इंटरनेशनल फैशन फोटोग्राफर हु हैज रीडिफाइंड ग्लैमर एंड स्टाइल, अ फोटोग्राफर हु वर्क्स विद इंटरनेशनल ब्रांड्स, विच हैज अ देसी हार्ट, हु लव्स लाइफ एंड एनर्जी। Photography is not just his profession, it is his love affair with lights. D Smart Click is a search of this restless photographer who is in search of a photo of his lifetime. आज एक बार फिर हमारे सामने दर्शन के लेंस से गुजर कर आएंगी ऋतु। तो इस बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे शो पर आज फिर मौजूद हैं दर्शन। वेलकम दर्शन टू आवर शो। थैंक यू। I think अब तो ये आपका ही शो हो गया है More than us, क्योंकि आप ही हैं इसमें एक पिवोटल रोल प्ले करने के लिए। ये मेरा ही शो है। सबसे पहले एक बात बताइए दर्शन, कि आउटडोर शूट्स के बारे में तो कल हमने बहुत बात कर ली, right. पर इंडोर शूट्स में आपने ऋतु को किस टाइप का मेकओवर दिया है, क्या चेंजेस आपने इनकॉर्पोरेट करे? ऋतु का जो सेकेंड लुक था वो एक वेस्टर्न आउटलुक था, एक वेस्टर्न आउटफिट था, जिसके लिए मैंने उसे एक ब्लैक कलर का गाउन दिया था, एक ब्लैक कलर का वन पीस दिया था जो काफ़ी ग्लिटर कर रहा था। सो इट वाज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लुक्स, वन वाज अ वेस्टर्न लुक एंड वन वाज अ वाइल्ड लुक। ओके, सो टू सूट द चेंज द कॉस्ट्यूम, वी मेड श्योर दैट शी हैज़ समथिंग रियली वाइल्ड, एट द सेम टाइम समथिंग रियली क्लासी बिकॉज ऑफ द इवनिंग क्लासिक गाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेव हर कर्ल्स ऑन हर हेयर, we made curls on her hair and we gave her a really wild makeup. नोटिस की दर्शन, अभी आप ब्लैक ड्रेस के बारे में बता रहे थे, सो द ड्रेस वाज ब्लैक एंड इवन द बैकग्राउंड इवन दैट वाज ब्लैक एंड दैट इज अगेन अ वेरी न्यू थिंग दैट हैज कम अक्रॉस मी, बिकॉज जनरली द बैकग्राउंड एंड कलर दे वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो मे बी सम ब्राइट कलर्स और वाइस वर्सा, बट हाउ कम दिस केम इनटू योर माइंड की ब्लैक एंड ब्लैक एंड इट वर्कड आल्सो? इट हैज टू बी गुड, यू नो, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज प्लान्ड, दैट इज हाउ इट वाज प्लान्ड। The basic idea is to have our model, our subject in focus, right. Have our subject in limelight and have everything apart from that not in limelight or not in focus at all. So, but what we made sure was to separate her from the background, used cut lights and back lights. So, usse kya ho jata hai ki wo aapka subject background ke saath merge nahi hota hai. Subject aapka usse bahar aa jata hai. But then the basic concept is to focus on her. And as I said that it was a wild look, it gave that feel, you know, which is very important. Oh my God, I think Darshan, again a very new idea, a very new concept has come in front of us because of you. Again, I wasn't aware of this thing because I always felt ki background and model or maybe the dress that the model is wearing should be in contrast. Now see friends, aapne dekha ki कितनी बारीकी से इस सब्जेक्ट को भी और इस शूट को भी दर्शन ने स्टडी किया। एंड डिड यू नो कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, सेम बैकग्राउंड एंड सेम ड्रेस, सो दैट आवर सब्जेक्ट इज इन फोकस। आई नेवर न्यू दैट। तो आपको अगर ये सब करना है और ये सब एक्सपीरियंस करना है, इस सब की इंफॉर्मेशन लेनी है और कुछ ना कुछ करना है ग्लैमर इंडस्ट्री में, तो कहाँ आएंगे? डी स्मार्ट क्लिक। दर्शन, एक और लुक मेरे दिमाग में आ रहा है जो बिकनी में था और स्विमिंग पूल में आपने वो शूट किया था, एंड इट वाज इन नाइट, सो अगेन दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग टू मी, राइट? तो बिकॉज जनरली यू नो व्हेन एवर यू टॉकिंग अबाउट स्विमिंग पूल एंड ऑल, पीपल जनरली टेक दैट इन डे, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, शुड इट बी टेकन ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम इज ऑल्सो परफेक्ट? सी इट डिपेंड्स व्हाट एग्जैक्टली लुकिंग आउट ऑफ द मॉडल एंड आउट ऑफ द शूट, व्हाट बेसिकली योर कॉन्सेप्ट इज, राइट? देयर आर टू थिंग्स। First of all, let me tell you that if I have to define photography, I would say photography is all about lights.
it's the language of light. Mm-hmm. Yeah. So if you're able to understand this language, you can play well with the lightings and with your models. Now, if we talk about night shoots, then you know the lighting, the artificial lighting comes into the place, and then you have the control on it. Mm-hmm. But if you're shooting outdoors, say for example, Ritu's shoot, it was basically an outdoor shoot, on a swimming pool. Yeah. So if it was day, we would have used the ambient light, daylight, and we might have used some reflectors or some basic lights. But the main source of light would always be sun. But over here, the main source of light is an artificial light. How about the main source of light as moon during night? Moonlight is the awesome light, if I'm not wrong. It is awesome light, yeah. But it is again a reflected light from the sun. Right. So you cannot have not it the as the main light, source. Yeah. So it's nice if you're shooting in night, because then you can play around with the lights. Right. So that's the basic thing. So what I could gauge is that you basically love to play around with lights. Yeah. You know, that I could understand after our so deep discussion. कि आप चाहे वो दिन का समय हो चाहे रात का समय हो चाहे कलर्स को चेंज करना हो चाहे मॉडल के ड्रेसेस को चेंज करना हो आई थिंक यू फोकस अ लॉट ऑन द वे यू वर्क विद लाइट्स एंड प्ले विद लाइट्स. वाओ गाइस, आई थिंक कितना यूनिक एसोसिएशन था ये फोटोग्राफी का लाइटिंग के साथ. तो अब देखते हैं कि ऋतु के इस अंदाज को किस खूबसूरती के साथ दर्शन ने अपने लेंस में कैद किया है. हैव अ लुक. दर्शन, अभी हमने ये इतना अमेजिंग फोटोशूट देखा दोबारा, मुझे समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ यू नो सस्पिशन, कुछ ना कुछ एक रोमांच आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, चाहे वो कोई भी शूट हो, कोई भी आउटडोर शूट हो, कोई भी इंडोर शूट हो. तो अब स्विमिंग पूल में आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि यू नो इतने सारे पिलर्स थे, इतना कंजस्टेड लग रहा था वो जो एरिया अभी हमने जस्ट देखा. रात का समय, सो ऑब्वियसली इतने सारे इंसेक्ट्स और कीड़े वगैरह तो होने ही हैं, उन्होंने भी आपको बहुत बॉदर किया होगा आई एम श्योर. बट आई डोंट नो कैसे, हाउ. सी, आई विल टेल यू, स्टिल आई लाइक दिस लोकेशन अ लॉट, इसलिए शायद से हम लोगों ने ये लोकेशन सेलेक्ट की थी. इट वॉज अ गुड लोकेशन, बट देन आई वोंट से दैट दिस इज द बेस्ट लोकेशन इन द वर्ल्ड. राइट, ऑब्वियसली अ ट्रू फोटोग्राफर और अ ट्रू मॉडल और अ ट्रू आर्टिस्ट would make sure that they make most of what they have. Right. Yeah. So what we have is something that's there with us, and what we do with what we have is more important. So problems to yaar har jagah pe hoti hai, aap chalte jao aap gir jate ho. So you cannot really have ek makmal ke raste pe to aap chal nahi sakte. Yaar, aapko dimag mein idea kaise aate? I mean, Ritu was just floating on the swimming pool, because see, I have seen a lot of photo shoots. I got my photo shoot done, but I never experienced. Maybe I was unlucky. I was not probably with the smart click that time. I should have been with the smart click that time. True. And with you, I think it would have you been a great experience. You are with us now, right? Yeah, now I and am. And I'm going to study you now. But you left a question there. Huh? You didn't answer me when I asked that what kind of dress would look much better on me and which color would look. Okay, color, you said that every color looks good. But I'm yet about to study you, right? No, come on. You can at least let me know what kind of dress would look good on me. Oof. ये तो मेरे बारे में स्टडी करते रहेंगे. And I don't think कि मुझे कभी भी कोई आंसर मिलेगा या कोई स्पॉन्टेनियस आंसर मिलेगा अपने बारे में. कोई बात नहीं, हमने तो मेकिंग देखी है ना. So let's see how were the results. जस्ट कांट बिलीव दर्शन कि ये वही लड़की थी जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे, जो इतनी इनोसेंट, इतनी ज़्यादा यू नो, जो इतनी अनकम्फर्टेबल कि मैं नहीं बोल्ड ड्रेसेस पहनूंगी या नहीं एक्सपोजिव ड्रेसेस पहनूंगी. तो कैसे, हाउ डिड यू मैनेज एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन? वो तो आपने मुझे बता दिया उसके बारे में, अदरवाइज मैं तो समझ ही नहीं पाती कि ये इतनी अनकम्फर्टेबल थी. हाउ डू यू मैनेज, क्या आप किसी को भी इतना कम्फर्टेबल कर देते हैं अपने साथ फोटोशूट में? See, it's when it's required, it's required.
I'm still about to study you, but then if your character requires... I don't know when will that day come, forget about that. That day would come soon, don't worry about it. So say for example, if a model is required to be in a bikini, she's required because that's one of her aspect. Right. And I'm doing this for her, not for me or not for anyone else. No, right? I do understand that, but you know, you are right on your part and you're perfectly right, I mean. But as a girl or maybe as any model, if she's not comfortable with something, and that mindset was there with her since childhood, and she just met you, it was a matter of couple of days, you know. So kaise Darshan apne itne saalon ke mindset ko jhat se kuch dino mein change kar diya? It's actually a magic. It's a secret that I have with me. And if you want to know the secret, you can call on the numbers and take part in these smart click, and then we'll reveal the secret. दर्शन ये तो गलत है, आपने मुझे अभी भी सीक्रेट नहीं बताया और मैं इतना वेट कर रही थी. और चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में तो फिर आपको हमारे साथ रहना ही है. सो आई एम स्टिल वेटिंग टू नो अबाउट मी एंड दैट सीक्रेट दैट यू वर सपोज टू टेल. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ दी स्मार्ट क्लिक. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, योर प्लेजर. अगर आप में भी वही इच्छा है कुछ कर दिखाने की, अपने सपनों को एक मकाम देने की, तो हमें कॉन्टैक्ट करें. फ्रेंड्स, सपनों की नई उड़ान के साथ हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, जहां दर्शन के लेंस से गुजर कर निकल आएंगे कुछ और उभरते हुए सितारे, कुछ और उभरते हुए मॉडल. टिल देन कीप वॉचिंग डी स्मार्ट क्लिक. टेक केयर. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.